हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, रिसेंटली यूएस ने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ होने का अपना डिसीजन फॉर्मली यूएन को दे दिया है। तो इस वीडियो में हम इसकी बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन रहे हैं कि यूएस ने डब्ल्यूएचओ से पुल आउट होने के, एंड इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस को ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, ये सब डिस्कशन हम अपने इस वीडियो में करेंगे, तो फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सारा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि यूएस इस डिसीजन तक कैसे पहुंचा, क्या रीजन रहे हैं कि यूएस ने विथड्रॉ किया है। न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोरोनावायरस पेंडेमिक का ओरिजिन चाइना की वुहान सिटी बताया गया है, और वहां की एक 57 इयर्स ओल्ड फीमेल जो श्रिम्प सेलर थी, उसको कोरोना वायरस का फर्स्ट विक्टिम आइडेंटिफाई किया गया है। अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस 12 मिलियन से ज्यादा एक्सीड हो चुके हैं और मोर देन 5 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। फर्स्ट डेथ जो रिपोर्ट की गई थी वो जनवरी 10 को वुहान में रिपोर्ट की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पिक्चर में देखते हैं वुहान सेंटर। ये देखिए, ये है वुहान सिटी, यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वो 31 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया था। और अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो यूएस इज द वर्स्ट हिट कंट्री फ्रॉम द कोरोना वायरस। यहाँ पे ओवर 3 मिलियन केसेस हैं और मोर देन 1,32,000 डेथ्स हो चुकी हैं इस वायरस की वजह से। तो अगर हम इस इंफोग्राफिक्स को देखते हैं तो यह जून 16, 2020 का है, बट देखिए यहाँ पे यूएस जो है वो नंबर वन पोजिशन पे है कोरोना वायरस केसेस में। सेकेंड पे ब्राजील, रशिया, अब इंडिया ने रशिया को क्रॉस कर लिया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। लेकिन जो यूएस है वो अभी भी फर्स्ट नंबर पे है कोरोना वायरस केसेस में। लेट्स सी यूएस इस पैंडेमिक के लिए किसे रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर्स हेडिंग, ट्रंप ब्लेम्स चाइना सीक्रेसी कवर अप फॉर स्प्रेड ऑफ कोविड-19। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोविड-19 के स्प्रेड के लिए चाइना को ब्लेम किया है। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग चाइना इस स्प्रेड को रोक सकता था और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सीरियस इन्वेस्टिगेशंस करेगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो के अकॉर्डिंग भी बीजिंग ने कोरोना वायरस आउटब्रेक के बारे में टाइमली नहीं बताया था और इसे सीक्रेट रखा, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड हुआ है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा कि WHO एज अ ग्लोबल बॉडी हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। तो उन्होंने अनाउंस किया कि WHO अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी ना होके चाइना सेंट्रिक बॉडी बन गया है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन WHO की फंडिंग को हॉल्ट करने जा रहा है, उसको रोकने जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओब्रायन ने भी कहा कि जनवरी 14 को WHO ने यूएस को एश्योर किया था कि कोविड-19 का कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन ये भी जो रिपोर्ट दी गई थी इट वॉज नॉट ट्रू। इसके अलावा चाइना से आने वालों पर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन जब लगाई गई थी तो WHO ने उसे भी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन ये टोटली इम्प्रॉपर एडवाइस कहा जाता है अगर हम पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात को माने, क्योंकि उसी टाइम में ट्रेवलिंग को बंद कर देना चाहिए था ताकि स्प्रेड को रोका जा सकता। इसके अलावा WHO ने मार्च 11 को इस वायरस को कंटेन करने के लिए चाइना की काफी तारीफ भी की थी और इसे एक चाइना की अमेजिंग अचीवमेंट भी बताया था, लेकिन उसके बाद तो उस वायरस का बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, तो इसे एक अचीवमेंट कैसे मान सकते हैं। सो इन सब रीजंस की वजह से यूएस क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द WHO एंड कहा कि WHO ने पूरे वर्ल्ड को मिसलेड किया है। अप्रैल में यूएस ने स्टॉप कर दी थी WHO की फंडिंग और ट्रंप ने अनाउंस किया था कि यूएस जो है वो अपने सारे रिलेशंस WHO से टर्मिनेट करने जा रहा है। और अभी रिसेंटली यूएस ने एक ऑफिशियल लेटर सेंड किया यूएन को, जिसमें उन्होंने यूएन को इस अपने इस डिसीजन के बारे में नोटिफाई कर दिया है और यूएन स्पोक्समैन ने इस न्यूज को कंफर्म भी किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब यूएस एंड WHO के रिलेशंस के बारे में देखते हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस WHO का एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जो कि 450 मिलियन यूएस डॉलर पर एनम प्रोवाइड करता है। और अगर हम चाइना का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो वो ओनली 40 मिलियन USD है, मीन्स 1/10 ऑफ द US। US WHO का मेंबर इसके कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहा है। WHO June 21, 1948 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फिर WHO को ज्वाइन करते वक्त कुछ कंडीशंस भी होती हैं और उन कंडीशंस की वजह से US का WHO से विड्रॉल 1 ईयर तक पॉसिबल नहीं है। और आगे जैसे कि US में नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं,
तो हो सकता है नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो इस डिसीजन को रिवर्स कर दे। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्मली अपना डिसीजन यूएन को नोटिफाई कर दिया है, बट इस डिसीजन को बहुत सारा क्रिटिसाइज भी किया गया है। सो लेट्स सी हाउ दिस डिसीजन इज क्रिटिसाइज। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो यूएस के डब्ल्यूएचओ से बाहर आने से डब्ल्यूएचओ को बहुत मनी एंड मेडिकल नोहाउ का नुकसान तो होगा, बट यूएस के ऊपर भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड के टॉप लेवल के मेडिकल एक्सपर्ट जब साथ में बैठकर डिसीजन लेंगे तो उनमें जो अमेरिकन मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे वो नहीं रहेंगे वहां पे, इसलिए उनकी जो वॉइस है वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर हम इटली की बात करें, इटालियन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस डिसीजन को सीरियस एंड रोंग कहा है और उन्होंने कहा है कि हमें एक रिफॉर्म्ड और स्ट्रॉन्गर डब्ल्यूएचओ चाहिए, ना कि वीकर वन। और अगर यूएस डब्ल्यूएचओ से बाहर आता है तो लीडरशिप में एक बिग वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और इस वैक्यूम का आने वाले टाइम में चाइना फिल कर देगा। और अगर वैसे भी देखें, डब्ल्यूएचओ तो कंटिन्यू अपना काम करता रहेगा, बट यूएस ने इतने साल जो एक्सपर्टीज प्रोवाइड किया है वो सारी डब्ल्यूएचओ में ही रह जाएगी और अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा। इवन देखते हैं अभी चाइना की क्या रिएक्शन रही है। चाइना ने भी यूएस के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है और बताया है कि यूएस यूनिलेटरलिज्म को परस्यू कर रहा है बिकॉज वो डिफरेंट ग्रुप्स और कॉन्ट्रैक्ट से यूनिलेटरली बाहर आ रहा है, जबकि वर्ल्ड को मल्टीलेटरलिज्म की तरफ मूव करना चाहिए। चलिए अब इस सब एनालिसिस का कंक्लूजन देखते हैं। एज अ सॉवरेन कंट्री, यूएस अपना कोई भी डिसीजन लेने, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है या उसमें से पुल आउट होना है, वो उसके लिए टोटली फ्री है। बट जब पूरा वर्ल्ड COVID-19 के इतने बड़े चैलेंज से गुजर रहा है तो यूएस को अपनी फंडिंग अभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा यूएस विड्रॉल से पोलियो एंड HIV एड्स को लड़ने में जो प्रोग्रेस मिली है वो भी रुक जाएगी, इससे अमेरिका और वेस्टर्न के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी डैमेज होंगे, बिकॉज इसके बाद चाइना सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लीड करने लग जाएगा। तो अगर हम एक्सपर्ट्स की बात को माने तो अगर यूएस डब्ल्यूएचओ को लीव करता है तो एक्चुअली वो एक पॉलिटिकल गिफ्ट है टू चाइना, बिकॉज लीडरशिप वैक्यूम होगा तो चाइना उसे हैप्पीली फील करने के लिए तैयार होगा। तो एट लास्ट अगर हम एक्सपर्ट्स के व्यूज का एनालिसिस देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस डिसीजन पर दोबारा सोचकर इसे रिवर्स करना चाहिए और WHO को लीव करने की जगह WHO में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। और इसके अलावा COVID-19 पैंडेमिक के खत्म होने पर सच्चाई को जानने के लिए चाइना के अगेंस्ट सीरियस इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट में WHO के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। WHO UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 में। और इसे कोई एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है वो WHO द्वारा पब्लिश की जाती है। अभी अगर इसे डायरेक्टर जनरल की बात करें तो उनका नेम है टेड्रोस एधनॉम और ये कहाँ से है? इथोपिया से है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं और इनकी जो टर्म है वो स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2017, जो कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया, वॉज इलेक्टेड टू द चेयर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जेक्टिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेक्टिव बोर्ड में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। इस बोर्ड का मेन फंक्शन होता है टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड द पॉलिसीज ऑफ द हेल्थ असेंबली एंड एडवाइस एंड फैसिलिटेट इट्स वर्क। फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे रिसेंट न्यूज कवर कर लिया है, लेकिन जैसे कि ये करंट टॉपिक है तो अभी इसके साथ और न्यूज जुड़ती जाएंगी, तो जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।